हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑल. फ्रेंड्स, हैप्पी धनतेरस टू एवरीवन. सबकी दिवाली शुभ दिवाली हो और बहुत खुशहाल वाली हो. आप लोग अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखिए इस दिवाली पे. अपने आप को ना घर को सजाइए, खुद को सजाइए, घर में से नेगेटिविटी निकालिए, खुद के माइंड में से निकालिए. मैं आज रीडिंग भले ही कर्मा की रीडिंग कर रही हूँ कि जो लोग गलत कर रहे हैं उनको कर्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, लेकिन हमें लोगों को माफ़ कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में. जब हम लाइफ में नेगेटिविटी को छोड़ के आगे बढ़ते हैं ना, तभी सामने वाले को कर्मा मिलना भी शुरू होता है, ये याद रखिएगा. तो आप अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे ध्यान दीजिए और पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दीजिए. तो चलो शुरू करते हैं आज की रीडिंग. कि ना जो लोग बैड आपके साथ में कर रहे हैं या जिन्होंने आपको धोखा दिया है, चाहे वो कोई भी हो सकता है, वो कार्मिक्स आपके कार्मिक है बेसिकली, कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली में से कोई हो सकता है, आपके पार्टनर जिन्होंने आपको गलत किया है, या कोई और थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई भी हो सकती है ये. क्योंकि जो गलत करता है उसको गलत ये आता है कि हम लोग कर्म भूमि में हैं जहाँ कर्मा का फल भुगतना ही पड़ता है. इस जन्म का हो, पांच जन्म का हो, कोई दूसरे प्लैनेट का हो, कोई ना दूसरे टाइमलाइन का हो, कोई भी टाइम का हो सकता है, तो वो डेफिनेटली कर्मा तो सबको भुगतना पड़ता ही है. देखो, फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. मुझे लग रहा है कि आप बहुत दुखी हो, कि आपको लग रहा है कि मैंने कितना मेरी एज चली गई है, कितना मैंने टाइम स्पेंड कर दिया, अब मुझे जस्टिस कब मिलेगा. आप ये क्वेश्चन बहुत टाइम मुझे लगता है बहुत लोगों ने गॉड से कर लिया होगा या किसी से, मतलब बहुत ज़्यादा किया होगा. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स आपको देखो सपोर्ट कर रहे हैं. वो बोला अगर आप जस्टिस मांग रहे हो तो आपको मिलेगा. आप एज ब्रैकेट मत देखिए, क्योंकि आपका भी कर्मा है जो आपको कंप्लीट करना था, इसलिए शायद आपको वो फेस करवा के आपका कर्मा कंप्लीट कर दिया गया, इसीलिए आपको इतने शायद है ना मुसीबतें फेस करनी पड़ी. देखो, राम जी गॉड राम थे, वो तो भगवान थे, कृष्ण थे वो भगवान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कितनी स्ट्रगल फेस की ना, समझ रहे हो. उनको वो बोलेंगे हम उनका कौन सा कर्मा था, गॉड का कौन सा कर्मा था, क्या था. उनकी भी बहुत सारी स्टोरीज है. अब रामायण महाभारत ये सब चीज़ पढ़ी है, उनको भी कितने ये भगवत गीता ये सब पढ़ोगे ना, उन्हें पता चलेगा उनको भी किसी ना किसी चीज़ का श्राप लग गया था या किसी चीज़ का दोष लग गया था, तो उस चीज़ का उनको कर्मा भुगतना पड़ रहा है धरती में, इसलिए तो जन्म लेते हैं वो लोग भी. तो सबको ये धरती कर्म भूमि है, वो चाहे भगवान हो, चाहे रंग हो, या राजा हो, कोई भी हो, सबको अपने अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है. तो आज नहीं तो कल ना उनको जो आप लोग गलत कर रहे हैं तो उनको भुगतना पड़ेगा, ये याद रखिएगा. आप जो मैंने जो लग रहा है आपने बहुत मेहनत की है, जो लोग जो आप लोग से आपके पीछे पड़े थे उनसे पीछा छुड़ाने के लिए, क्योंकि देखो मुझे लग रहा है कि आप अभी भाग रहे हो, या जो लोग आपका बुरा कर रहे थे बहुत टाइम से वो अभी भागेंगे आपकी लाइफ से छुपके से, क्योंकि उनकी लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है कि उनको छुपके से आपकी लाइफ में से निकलना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि वो डंका पीट के निकलेंगे कि हम आपकी लाइफ से जा रहे हैं, हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत परेशान कर करके देख चुके हैं आपको कि ये पर्सन को जितना भी परेशान करता हूँ या करती हूँ, ये पर्सन उतनी ही हिम्मत से और आगे बाहर निकलता है, तो उतनी ही हिम्मत से अपनी सारी है ना वापस खड़ा हो जाता है, खड़ी हो जाती है, और उसका उतना ही अच्छा होता है. तो ये चीज़ वो बेसिकली पर्सन सहन नहीं कर सक रहा है, और इसकी वजह से क्या उनको एक डिसीजन लेके आके लाइफ में बढ़ना पड़ेगा, और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना पड़ेगा आपकी लाइफ. क्या तो हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में आपको छोड़ के चले जाए कम्प्लीटली. तो ये आपके लिए एक कर्मा रिलीज़ होगा, क्योंकि आपके कार्मिक अकाउंट्स आपके क्लियर हो गए, तो वो कार्मिक पार्टनर्स आपकी लाइफ से दूर हो रहे हैं, तो आपके लिए ये बेटर भी हो सकता है, समझ रहे हो. तो ये मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ से दूर चले जाना, ज़रूरी नहीं हर टाइम की है ना कि कुछ बुरा हो या कुछ बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो उसके बाद में ही है ना कार्मिक आपकी लाइफ से जाए. कार्मिक आपकी लाइफ से कभी भी जा सकते हैं, आपके कर्मा क्लियर हो जाएंगे. तो मुझे लग रहा है एक ट्रूथफुल एक इंटीग्रेटेड लॉर्ड ऑफ जस्टिस, जैसे बोलते ना एम्परर कार्ड, लेकिन लॉर्ड ऑफ जस्टिस जैसे मुझे दिखाई दे रहे हैं. तो लॉर्ड ऑफ जस्टिस एंजल खुद जस्टिस करने आएंगे आपकी लाइफ में, जो लोग आपके साथ में गलत कर रहे हैं, जो लोग आपके साथ में बुरा कर रहे हैं, कि बार बार क्या वो हमेशा क्या थोड़ा टाइम के लिए बुरा करते हैं चले जाते हैं, करते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं. इस तरह की सिचुएशन बहुत टाइम से आपके साथ में चल रही है, आपको लग रहा है अब तो इनसे पीछा छूटेगा, लेकिन मुझे लगता है अभी परमानेंट एक पीछा छूटेगा उनसे आपका. और जो लोग ना बुरा कर रहे हैं ना उनको भी रियलाइजेशन मुझे लग रहा है कि होगा इस बात का, इसलिए वो आपकी लाइफ से दूर जाएंगे कि बहुत कर करके थक गए, या उनकी लाइफ में ऐसा कुछ सिचुएशंस डेवलप हो सकती है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ में ये सब चीज़ शुरू नहीं हो जाए जो उन्होंने आपके साथ में किया है. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कर्मा क्या, जो दूसरों के साथ में जो चीज़ बोते हैं, जो ना गड्ढा किसी के लिए होते तो वो गड्ढे में वही गिरता है. तो हो सकता है जो चीज़ वो गलत आपके साथ में चाहते थे वही चीज़ उनकी लाइफ में रिपीट हो, मतलब बार बार हो रही जा रही. तो उनको वो चीज़ से एक फियर फैक्टर उनको मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में आ सकता है. क्योंकि लॉर्ड ऑफ जस्टिस आते हैं ना, तो जस्टिस किस तरह से होगा वो हम लोग नहीं बता सकते एग्जैक्टली कि किस तरह से होगा, लेकिन जस्टिस
किसी को भी छोड़ता नहीं, मैं आप लोग को बार बार बता रही हूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, कर रहे हो, तो आपको पता चला होगा कि लॉर्ड ऑफ कर्मा कितना इम्पोर्टेंट है और कितना ज़रूरी होता है ये चीज़ के लिए। देखो मुझे जो लग रहा है, जो लोग आपकी लाइफ में है ना, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो लोग आपकी लाइफ में बुरा कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ से वो एक मुझे निकलते हुए बार बार दिख रहे हैं, क्योंकि एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। कार्मिक अकाउंट्स मुझे अभी उनका ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि बहुत बुरा हो रहा है उनके साथ में, या बहुत ज़्यादा उनको पनिशमेंट मिल रही है, अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल जो कार्ड्स में आ रहे हैं उनको। ऐसे डेफिनेट मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपसे दूर हो जाएंगे, यही आपके लिए कार्मिक है, और उनके वो आपसी लाइफ से दूर हो जाएंगे, तो उनको जो सुकून मिल रहा था आपको दुख पहुँचा के, आपको बुरा करके, तो वो सुकून उनका छीन लिया जाएगा, ऐसे बेसिकली मैं ऐसे बोलूँगी, समझ लो। अभी वैसे भी शनि 23rd of October से डायरेक्ट हो रहा है, अगर जिन लोगों को बहुत टाइम से लग रहा था कि काफ़ी 2-3 महीने से वो लोग वापस लग रहा कि वापस सेम सिचुएशंस है ना चल रही है, वापस वो जो लोग आपके अंदर बुरा कर रहे हैं वापस बुरा कर रहे थे, तो वो सिचुएशन वापस चेंज होगी 23rd October के बाद में। आप देखिएगा मुझे ऐसे लग रहा है किंग ऑफ सॉस का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है जो लोग थोड़ा ऐसे बुरा कर रहे हैं ना उनको क्या ऐसे मुझे लग रहा है कि थोड़ा फाइटिंग स्पिरिट में भी कुछ लोगों के साथ में आ सकते हैं, कुछ लोगों के साथ में उनका फाइट्स हो सकते हैं। इसमें दिख रहा है इंसान एक बैटल फील्ड में खड़ा है, तो मुझे लग रहा है उनके जो रिलेटिव्स हैं या जो उनके पे बहुत वो डिपेंडेंट हैं, जो उनके साथ में जो पार्टी शार्टी उन्होंने की है, या जिनके साथ में उनका लव रिलेशनशिप रहा है, जैसे सपोज आपके पार्टनर के साथ में ही लव रिलेशनशिप रहा है, या किसी और के साथ में लव रिलेशनशिप रहा है, या उनकी फैमिली में ही जो उन्होंने बहुत इन्जॉयमेंट किया जिन लोगों में, तो उनके साथ में एक हो सकता है कि उनकी फाइट्स बहुत ज़्यादा हो, समझ रहे हो, उनको जो आपकी फाइट्स करवाने की कोशिश करते थे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते थे, तो वही लोग जो इनके जो वेल विशर बने हुए थे ना उनके, वो उनके लाइफ में मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ सिचुएशंस ऐसी खड़ी करेंगे जो उसके जैसे उनके बीच में फाइट्स बहुत होंगी। जैसे अभी लगता था ना ये जो होते हैं ना जो कार्मिक्स होते हैं, ये लोग क्या झुंड में बहुत काम करना पसंद करते हैं, झुंड में अटैक करना पसंद करते हैं, एक अपना गुट्टी बना लेते हैं। स्पेशली ये जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट होते हैं उनको बहुत फेस करना पड़ता है कि देखें आप झुंड में फैमिली में या फ्रेंड्स में या रिलेटिव्स में ऐसे लोग होते हैं जो आप लोग पे अटैक करते हैं, तो ये लोगों के जो आप लोगों को मिलके आप लोग पे अटैक करते थे ना, वो लोगों के बीच में मुझे एक बैटल जैसे कुछ होते हुए दिख रही है। और ये ना आपकी तारीफ में परमानेंट होगा इस बार। इस बार ऐसा नहीं है कि उनको मतलब ना थोड़ा टेम्पररी पीरियड के लिए कुछ ना आपकी लाइफ से निकाल दिया गया या टेम्पररी वो लोग ना उनको थोड़ा सज़ा दी गई, अब की बार उन लोग के झुंड में जो झगड़ा होगा या वो लोग के जो आप लोग बुरा कर रहे हैं उनके साथ में जो बुरा होगा वो परमानेंट होगा, समझ रहे हो, परमानेंट उनके लाइफ में होगा, क्योंकि वो लोग को अभी अब समझ रहे कि वो लोग बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में है ना बोलते हैं तिगड़म का काम कर चुके हैं, जिसमें देख रहे हैं मेन का जैसे आपकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश कर चुके हैं, मतलब समझ रहे हो, डिस्ट्रैक्ट करके, अब वो डिस्ट्रैक्शन उनका नहीं चलेगा बेसिकली, मैं ऐसे बोलना चाहूँगी। क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आता है, उनको किंग ऑफ कप्स पता है बहुत इमोशनल एनर्जी में आ जाना, तो हो सकता है कि उसके जैसे वो बहुत ज़्यादा उनका रोना धोने का पीरियड एक बोलते हैं ना स्टार्ट होना, जैसा रो बहुत ज़्यादा रोना, आप जैसे कैसे कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाते हो, बहुत रोते हो, गॉड से कंप्लेन करते हो, तो वैसे ही उनकी कंडीशन बोलते हैं एग्जैक्टली जैसे टेबल्स टर्न हो गई है, तो एग्जैक्टली वैसे वो लोग भी रोना धोना गॉड के सामने बहुत ज़्यादा, और ये परमानेंट उनकी लाइफ में एक बहुत पीरियड के लिए चलने वाला है। क्योंकि याद रखिए शनि कभी भी एक हाउस चेंज करता है ना, 30 ईयर्स के बाद में एक हाउस चेंज करता है, मतलब प्लैनेटरी पोजीशन में, तो अगर वो मतलब अभी जनवरी से वो पोजीशंस अपनी चेंज कर रहा है, अभी वो कुंभ राशि में जाने वाले हैं, अपने खुद के हाउस में आने वाले हैं, खुद के हाउस में आते हैं इंसान तो न्याय करता है ना, खुद के राजा अपने महल में हमेशा न्याय करता है, तो वो अभी 30 ईयर्स बाद में अपनी राशि में आ रहे हैं, तो आप देखिएगा जो लोग एकदम न्याय करेंगे 2.5-3 साल एकदम कम्प्लीटली, अब देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें लाइन पे आ रही है, जो लोग बदमाशी कर रहे थे वो एकदम सुधर रहे हैं, उनको पनिशमेंट्स मिल रही है, वो लोग बहुत ज़्यादा पहले वो लोग की लाइफ में बुरा होना शुरू करते हैं ना, ये जैसे लोग सहन नहीं कर सकते, इन लोग बहुत ज़्यादा रोना धोना गॉड के सामने बहुत जल्दी डर जाते हैं, मंदिर भागना ये करना वो करना, बहुत ज़्यादा फास्ट पूजा पाठ करवाना ये सब चीज़ बहुत जल्दी करते हैं इन लोग की टेंडेंसी होती है, इन लोग को पता चल जाता है कि अरे उनके जरा सा भी बुरा होते हैं एकदम हिल जाते हैं, तो इनके साथ में ये सब चीज़ होने वाली है बेसिकली, तो ये सब चीज़ आप मुझे लग रहा है कि इनके साथ में आप देखोगे आने वाले टाइम में या आपके इस समय में, मुझे ऐसे लग रहा है।
देखो अभी है जो एक्चुअली उनको अभी आपकी है ना वर्थ समझ नहीं आएगी बेसिकली, आपकी जो वर्थ उनको समझ में नहीं आएगी, वो लोगों को आपकी वर्थ समझ नहीं आने वाली है कि आपने उनको किस पोजीशन में बिठा के रखा था, कितनी इंपॉर्टेंस दे के रखी थी, ये चीज़ उनको समझ नहीं आएगी। और उनको क्या अभी रिजेक्शन, जैसे आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ रही थी पास्ट में, अब उनको मुझे लग रहा है बहुत लोगों से रिजेक्शन फेस करने को मिलेगा लाइफ में। मतलब अगर जहाँ पे अप्लाई कर रहे जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, कुछ भी अप्लाई कर, वहाँ पे रिजेक्शन, मतलब सक्सेस उनकी उनकी छीन ली जाएगी। वैसे सक्सेस के पीछे जो भाग रहे थे, वो सक्सेस की वजह से आपको आपके साथ में बुरा कर रहे थे, वो लोगों की अभी रिजेक्शन की पीरियड चालू हो गई है। और ये वजह से उनको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होने वाला है कि यार उन्होंने जो कर्मा किया वो उनको मिल रहा है, क्योंकि बैलेंस का कार्ड आ रहा है, ये जस्टिस का कार्ड आ रहा है, तो जस्टिस ही करेगा ना। तो लाइफ अभी बहुत डग पहले, कभी भी कभी याद रखिएगा लाइफ में जो भी चीज़ होती है ना हमेशा बैलेंस करती है, आज नहीं तो कल। अगर आपके पास पास्ट में बहुत कम चीज़ें थी या जो चीज़ नहीं थी आपके पास, अब देखना फ्यूचर में आपके पास वो बहुत चीज़ें होंगी। और जो लोगों ने बहुत आपके पैसे पे इन्जॉय कर लिया या आपकी आपका आपकी पार्टी की वो खुशी वो लोगों ने ले ली बहुत ज़्यादा, आपके हक आपसे छीन लिया, अब वो हक उनसे छीन के आपको दिया जाएगा, आपका हक आपको वापस दिया जाएगा। तो उसको वो धरती का बैलेंस बोलते हैं, तो वो जस्टिस बोलते हैं, वो जस्टिस आपको मिलेगा अभी। और वो जब जस्टिस होना शुरू होगा ना, तो इन लोगों को रियलाइज़ होगा, इनको गिल्टी होगी कि हमने बहुत गलत काम किया, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, अभी हम लोग का कर्मा का फल मिल रहा है। इनको भी पता है कि कर्मा का फल होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, तो ये चीज़ इनको भी समझ में आती है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड एंजॉय योर दिवाली। हैप्पी हैप्पी दिवाली टू ऑल।